नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम लोग यहाँ पर तीन फोन्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। एक तरफ है हम लोग के पास Realme C1 और उसके बगल में हम लोग के पास यहाँ पर Redmi 6A और उसके बाद है हम लोग का Redmi 5A। तो आज हम लोग यहाँ पर इसका पूरा कंपैरिजन करने वाले हैं कैमरा से लेकर यहाँ पर प्रोसेसर और स्पीड और सभी चीज़ों के बारे में। तो गाइज, मेरा नाम है अमन सचान और आपका हमारे चैनल टेक्स एंड फैक्ट्स में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर पहले बारी बारी मैं एक बार फ़ोन को खोलकर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों का जो है फ़ोन कौन सा। तो इस टाइम ये हम लोग का हाथ में Realme C1 है। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग ज़रा इसकी सेटिंग्स में अबाउट फ़ोन पे, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ थोड़ा सा जूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिवाइस नेम है वो हम लोग का Realme C1, मॉडल नंबर RMX 1811, कलर OS वर्जन 5.1, एंड्रॉयड वर्जन 8.1। और यहाँ पर हम लोग को प्रोसेसर जो मिलता है वो मिलता है हम लोग को कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 450 का ऑक्टा कोर का CPU, 2GB रैम 16GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। यहाँ पर जो तीनों वेरिएंट हैं हम लोगों के वो 2GB रैम 16GB इंटरनल स्टोरेज के साथ वाले हैं हम लोगों के। तो दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग बात करते हैं Redmi 6A की। तो यहाँ पर हम लोग ज़रा इसको ओपन करते हैं और आते हैं हम लोग इसकी सेटिंग्स में, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं सीधे सीधे अबाउट फोन वाले ऑप्शन पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम लोग का डिवाइस नेम है वो Redmi, मॉडल नंबर हम लोग का Redmi 6 या एंड्रॉयड वर्जन, इसमें भी हम लोग का 8.1 ओरियो पड़ा हुआ है और MIUI वर्जन ग्लोबल 10 पड़ा हुआ है। यहाँ पर CPU की बात करें तो क्वाड कोर मैक्स 2GHz का CPU यहाँ पर हम लोग को लगता है। यहाँ पर भी हम लोग को 2GB की रैम और इंटरनल स्टोरेज 16GB की मिलती है। यहाँ पर तीसरे उस फोन की बात करें तो वो हम लोग के पास Redmi 5 है। तो यहाँ पर हम लोग ज़रा इसको भी ओपन करके एक बार दिखा देते हैं सेटिंग में, फिर इसके बाद हम लोग अपने आते हैं अपने कैमरा वाले और बाकी सारे जो कंपेयर के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग अबाउट फोन पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम लोग का मॉडल है वो हम लोग का Redmi 5A, मॉडल नंबर और डिवाइस नेम है हम लोग का Redmi। इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन है वो हम लोग का नॉगट पड़ा हुआ है, एंड्रॉयड 7.1, MIUI 9.6 इसमें पड़ी हुई है। तो गाइज, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रोसेसर की। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोसेसर की बात करें तो हम लोग Realme C1 की, तो Realme C1 में मिलता है हम लोग का 1.8GHz का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर। और यहाँ पर अगर बात करें Redmi 6A में तो यहाँ पर मिलता है हम लोग को 2GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर, और यहां पर Redmi 5A की बात करें तो 1.4GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर। तो इसमें सबसे खराब प्रोसेसर की बात करें तो यहां पर Redmi 5A में सबसे खराब प्रोसेसर और सबसे बेटर की बात करें तो हम लोग का Realme C1 में मिलता है। बात करें अगर यहां पर हम लोग कैमरे की, तो कैमरा हम लोग को यहां पर तीनों ही जितने डिवाइसेस हैं उन तीनों में हम लोग को फ्रंट कैमरा 5MP का मिलता है, लेकिन यहां पर बैक कैमरे में थोड़ा डिफरेंसेस है। अगर बात करें बैक कैमरे की, तो बैक कैमरे में हम लोग को यहां पर Realme C1 में मिलता है 13MP प्लस 2MP का बैक कैमरा, Redmi 5A में मिलता है, और 6A में मिलता है हम लोगों को 13MP का बैक कैमरा। तो 5A और 6A में कैमरा सेम है, लेकिन Realme C1 में यहां पर आपको कैमरा ज्यादा मिलता है। तो यहां पर कैमरे के मामले में भी आपको Realme सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर बात करें सबसे मेन जो चीज़ होती है, मतलब जो इस टाइम लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं, वो हम लोगों की बैटरी। Realme C1 में मिलती है हम लोगों को 4230 mAh की बैटरी, जो कि सबसे ज़्यादा है। हम लोगों को Redmi 6A में मिलती है 3000 mAh की बैटरी, और Redmi 5A में भी मिलती है हम लोगों को 3000 mAh की बैटरी। मतलब बैटरी के मामले में भी आपको Realme C1 सबसे आगे निकलने को मिलता है। बात करें स्क्रीन रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पर Redmi 5A जो है वो हम लोगों का है 720p, मतलब कि HD का रेजोल्यूशन यहाँ पर मिलता है। लेकिन Redmi 6A की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को मिलता है HD प्लस का 720 प्लस का रेजोल्यूशन, और Realme C1 भी हम लोगों को 720 प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है। मतलब कि यहाँ पर Realme C1 और Redmi 6A दोनों में ही रेजोल्यूशन हम लोगों को सेम मिलता है। बात करें स्क्रीन के साइज की, तो यहाँ पर हम लोगों को Redmi 5A मिलता है 5 इंच का स्क्रीन, Redmi 6A मिलता है हम लोगों को 5.45 इंच का स्क्रीन, और Realme C1 की बात करें तो यहाँ पर मिलता है हम लोगों को 6.2 इंच का नॉच के साथ में स्क्रीन। तो मतलब यहां पर स्क्रीन सबसे ज्यादा आपको Realme C1 में मिलती है, वो भी नॉच के साथ में। लेकिन यहां पर आपको, यहां पर रेशियो की बात करें तो 19:9 का रेशियो दिया गया है। यहां पर Redmi 6A की बात करें तो यहां पर हम लोग को मिलता है 18:9 का रेशियो, लेकिन यहां पर Redmi 5A की बात करें तो हम लोग को मिलता है 16:9 का रेशियो। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें हम लोग प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर हम लोगों को Realme C1 में मिलता है स्नैपड्रैगन का 450, और यहाँ पर बात करें अगर Redmi 6A में तो हम लोगों को मिलता है MediaTek का हीलियो A22 का प्रोसेसर, और Redmi 5A की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को मिलता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 425 का। मतलब यहाँ पर MediaTek हीलियो A22 और स्नैपड्रैगन 450 लगभग एक तरह के, मतलब ये दोनों फोन्स Realme C1 और Redmi 6A के प्रोसेसर लगभग मैच खाते हैं। और यहाँ पर इसका 425 जो है वो थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है एज़ कम्पेयर टू दोनों।
फोन्स। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करूँ एक्सटर्नल एक्सपेंडेबल स्टोरेज की, तो दोनों तीनों ही फोन्स में आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिल जाती है 256 GB की, जिसको आप मेमोरी कार्ड के थ्रू बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें हम लोग फेस अनलॉक की, तो रियलमी C1 और रेडमी 6 में आपको फेस अनलॉक मिलता है, लेकिन यहाँ पर रेडमी 5 में फेस अनलॉक आपको नहीं मिलता है, जो चीज़ मुझे थोड़ी सी कम लगी। मतलब मे भी यहाँ पर MIUI 10 नया अपग्रेड आने के बाद फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ पर नहीं दिया गया है। और यहाँ पर बात करें अगर बाकी सारे सेंसर्स की, तो लगभग यहाँ पर सभी सेंसर बराबर ही दिए हैं, जितने सेंसर इसमें उतने उसमें उतने इसमें, मतलब सब में सेंसर्स आपको बराबर देखने को मिल जाते हैं, तो वो चीज़ तो लगभग सेम है। और बाकी यहाँ पर कुछ खास नहीं इतना, जो मेन कंपेरिजन तो वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मेन अगर सबसे बात करें तो हर एक मामले में आपको यहाँ पर रियलमी C1 सबसे आगे देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्राइसिंग की, तो तीनों ही हम लोगों का बेस वेरियंट दिए गए हैं इस टाइम हाथ में हम लोगों के हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें रियलमी C1 के बेस वेरियंट, मतलब कि 2 और 16 GB वाले मॉडल की, ऑनलाइन अवेलेबल है 6,999, मतलब 7,000 रुपए। लेकिन यहां पर बात करेंगे Redmi 6A की, तो ये आपको मिल जाता है 6,000 रुपए का, मतलब 5,999। और यहां पर बात करेंगे Redmi 5A की, तो ये भी आपको मिलता है 6,000 रुपए का, मतलब ये दोनों फोन ही आपको 6,000 के मिलते हैं और ये 7,000 का। यहां पर 1,000 रुपए इन दोनों के फोन के कंपेयर में प्राइस ज्यादा, इसलिए यहां पर आपको स्पेसिफिकेशंस और बाकी सारी चीजें ज्यादा मिलती हैं। अब यहां पर जरा हम लोग बात कर लेते हैं कैमरे पे, तो कैमरे पे यहां पर मैं जरा कैमरा ओपन कर देता हूं तीनों फोन का, सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सैंपल शॉट्स ले रखे हैं और वो मैं आपको लाइन वाइज लाइन दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल सी फोटो जल्दी से क्लिक कर लेते हैं और फिर हम लोग आते हैं अपने सैंपल शॉट्स पे। तो यहाँ पर हम लोग इस क्यूब की फोटो को क्लिक करते हैं पास से, तो ये रही हम लोग की 5A की इमेज। और अभी हम लोग करते हैं जरा 6A से क्लिक, तो ये हम लोगों ने कर दी 6A से। और अभी हम लोग जरा करते हैं रियलमी C1 से, तो ये रही हम लोगों की रियलमी C1 की इमेज। अभी ज़रा तीनों इमेज को ओपन करके हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं यहाँ पर, फिर देखते हैं कि किसकी इमेज ज़्यादा बेटर लग रही है। तो अभी यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने आपको तीनों इमेज देखने को दिख जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों ही इमेज आ रही हैं और यहाँ पर आपको कैमरे में इतना ज़रा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छे कलर्स की बात करें तो वो रेडमी 5A ने प्रोड्यूस किया, मतलब यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन की देखी जाए तो रेडमी 5A के कलर सबसे ज़्यादा बेटर आए। लेकिन यहाँ पर अगर ब्लर बैकग्राउंड की बात करें तो रियलमी C1 में सबसे ज्यादा ब्लर बैकग्राउंड मिलता है। Redmi 6 से आपको मिड में पड़ता है, 5A से थोड़ा सा अच्छा और C1 से थोड़ा सा कम। लेकिन यहां पर कलर्स मुझे Redmi 5A के बहुत अच्छे लगे, तो ये चीज मुझे यहां पर अच्छी लगी। इसके अलावा यहां पर हम लोग जरा एक बार फ्रंट कैमरे पे भी स्विच कर लेते हैं और बाकी सारे हम लोग सैंपल शॉट से देखेंगे। तो यहां पर हम लोग तीनों के फ्रंट कैमरे को स्विच कर लेते हैं जल्दी से, और ये हम लोग आ गए अपने फ्रंट कैमरे पे। और यहां पर हम लोग जरा बारी-बारी फोटो क्लिक करते हैं, एक पहले हम लोग करते हैं C1 से और अभी हम लोग करते हैं जरा 5A से, और अभी हम लोग यहां पर 6A था, अभी हम लोग करते हैं जरा 5A से। तो यहां पर हम लोग तीनों फोटोज को जरा ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अभी फोटो किसकी ज्यादा बेटर लग रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों फोटो, यहाँ पर फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे में रियलमी C1 का कैमरा सबसे ज़्यादा बेटर लगा मुझे, मतलब सबसे बढ़िया यहाँ पर आपको डेप्थ इफेक्ट या फिर क्लैरिटी आपको सबसे ज़्यादा मिलती है। लेकिन यहाँ पर रेडमी 5A में आपको येलोइश देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट कैमरे की बात करें तो 5A का फ्रंट कैमरा मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, लेकिन बैक में कलर्स बहुत बढ़िया प्रोड्यूस किए हैं। और यहाँ पर बात करें रेडमी 6A की, तो 6A की भी फ्रंट कैमरे की फोटो काफ़ी सही आई है एज़ कम्पेयर टू रेडमी 5A। मतलब कैमरे की यहाँ पर बात करें तो कैमरे में भी आपको रियलमी C1 का कैमरा सबसे ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर 6A का कैमरे में भी काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, लेकिन Redmi 5A का कैमरा उतना ज़्यादा बेटर नहीं है। तो गाइस आते हैं हम लोग अपने सैंपल शॉट पे और आपके स्क्रीन में कुछ सैंपल शॉट्स आएंगे, आप उसको देखकर समझ जाएंगे कि किससे हम लोग कैसी फोटोज़ ले सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तीनों फोटो से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर्स के मामले में सबसे बढ़िया कलर्स हम लोगों को रेडमी 5A में देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी की बात करें तो क्लैरिटी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आपको यहाँ पर 6A और C1 में देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी मुझे कलर्स 5A के ज़्यादा बेटर लगे। C1 का कैमरा थोड़ा सा डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम करता है, वो चीज़ मुझे लगी। लेकिन ह्यूमन सब्जेक्ट पे यहाँ पर 6A ने सबसे ज़्यादा बेटर वर्क किया। तो कैमरा अगर देखा जाए तो लगभग सभी का आपस में किसी ना किसी चीज़ों में लैग करता है, किसी में अच्छा है किसी का। यहाँ पर नाइट कंडीशन में फ्लैश के साथ भी हम लोगों ने कुछ फोटोज लिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पर इस टाइम हम लोगों की नॉर्मल लाइट में, मतलब कि थोड़ी सी डिम लाइट में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फोटोज। कलर्स के मामले में आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बढ़िया हम लोगों का 5A के कलर्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर 6A में जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लैरिटी मुझे बहुत अच्छी देखने को मिली 6A के कैमरा में, बैक में स्पेशली।
लेकिन यहाँ पर अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे में C1 ने बाजी मारी। C1 का फ्रंट कैमरा वो सबसे ज़्यादा बेटर लगा, फिर चाहे वो पोर्ट्रेट मोड हो, हालांकि 5A में आपको पोर्ट्रेट मोड नहीं मिलता है। नाइट कंडीशन की बात करें तो नाइट कंडीशन में भी C1 का कैमरा सबसे बढ़िया लगा मुझे, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आपने पूरा वीडियो को देखा और सारे सैंपल शॉट देखकर आप समझ गए होंगे कि कौन सा फ़ोन कैसी फ़ोटोज़ लेने में सक्षम है और मतलब किससे कैसी फ़ोटोज़ आती हैं। बाकी मैंने जो हार्डवेयर था और प्रोसेसर था और जो स्क्रीन का साइज़ और सभी चीज़ें मतलब फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो वो मैंने सारे कुछ बता दिया। अभी ज़रा एक बार हम लोग फ़ोन को कंपेयर कर लेते हैं फिज़िकली कि फिज़िकली कौन सा ज़्यादा सही लगता है, कौन सा ज़्यादा मतलब वैसा है। तो सबसे बड़े फ़ोन की बात करें तो वो हम लोग का रियलमी C1 यहाँ पर साइज़ के हिसाब से, इसके बाद आता है हम लोग का रेडमी 6 है, इसके बाद आता है हम लोग का रेडमी 5 है। तो ऑब्वियसली बात यहाँ पर स्क्रीन डिफरेंस है इसलिए हम लोग को यहाँ पर है। बाकी यहाँ पर डेप्थ की बात करें तो यहाँ पर डेप्थ सबका लगभग लगभग मुझे बराबर देखने को मिलता है। रियलमी यहाँ पर एक चीज़ रेडमी 5A में ज़्यादा है, रेडमी 5A में आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है लेकिन यहाँ पर रियलमी C1 और यहाँ पर रेडमी 6 से दोनों में ही IR ब्लास्टर मिसिंग है, बाकी सारी चीज़ें वही सारी सेम है हम लोगों की। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और गाइज हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं तो गिव अवे हम लोगों के बहुत सारे होने वाले हैं, तो हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए ताकि आप भी बहुत सारे प्राइज जीत सकें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद आओ तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल टेक्स एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग ऐसे वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं और इन सभी फ़ोन्स की अनबॉक्सिंग और इनके फीचर्स और इनका कैमरा ये सारे वीडियोस हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार, धन्यवाद।